गाड़ी में ट्रैवल करते तो उनको वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है, ये भी एसिडिटी के कारण होता है कई लोगों में। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे भी एसिडिटी से परेशान हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी को भी आ सकती है। एसिडिटी के अननोन सिम्टम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी शॉकिंग है, जैसे कि सूखी खांसी। बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी होती है, जो लेटते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, ये एसिडिटी का एक सिम्टम हो सकता है। लोगों का बीपी का फ्लक्चुएट करना, कि बहुत सारे लोगों को बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब बढ़ जाता है, वो एसिडिटी के कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, जिसके कारण वो खाना नहीं खाते हैं या थोड़ा सा खाना खाते हैं तो उनका पेट भर जाता है, वो एसिडिटी का सिम्टम हो सकता है। इसके कारण लोगों का वेट लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। कुछ लोगों के केस में वेट गेन होता है, कि वो जो भी खा रहे हैं वो बॉडी फैट में कन्वर्ट करने लगती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि हमको बहुत कम खाना मिल रहा है। लोगों को डकारें आना एसिडिटी का सिम्टम हो सकता है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना भी एसिडिटी के कारण होता है। कई बार क्या होता है, रिफ्लक्स से जो एसिड है वो आपके कान की नली तक पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको वर्टिगो हो सकता है। मैंने जो किताब लिखी है बर्निंग सॉल्यूशन, उसके लिखने के बाद भी मुझे बहुत सारे सिम्टम्स पता चले जो उस किताब में नहीं है। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ी में ट्रैवल करते तो उनको वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है, ये भी एसिडिटी के कारण होता है कई लोगों में। जो प्रेग्नेंट औरतें सुबह सुबह जो उनको मॉर्निंग नौजिया होता है, जो स्पेशली खाने की सुगंध से ज़्यादा होता है, तो वो भी एसिडिटी के कारण होता है। तो एसिडिटी एज अ स्पेक्ट्रम ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत फ़नी हैं, जो समझे भी नहीं गए हैं अभी तक। और मैंने ये देखा है कि जो भी लोग भूखे रहते हैं, खाना स्किप करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक नॉनस्टॉप काम करते हैं, या जिनका पोस्चर ठीक नहीं है, स्लाउच करके बैठते हैं जिससे पेट मुड़ जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका खाने का जो तरीका है, मतलब जो खाना वो खाते हैं, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को लीड करता है, जिसके कारण आपको बार बार भूख लगती है, इस टाइप के लोग जो है ज़्यादा प्रोन होते हैं। जो सबसे कॉमन कैटेगरी मुझे आजकल दिख रही है, उसमें एक तो स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, रात को उन्होंने खाना खा लिया फिर रात भर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं जो जिनके शिफ्ट वाले जितने भी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, पुलिस वाले हो गए, जो शिफ्ट में काम करते हैं, आज डे शिफ्ट है कल नाइट शिफ्ट है, इस टाइप के लोगों को होती है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। फिर जितने भी लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इनफैक्ट अगर देखो तो 50% ऑफ द वर्ल्ड के जो सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन है, ये एसिडिटी से सफ़र कर रही है। तो आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जो एसिडिटी से बचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे भी एसिडिटी से परेशान हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी को भी आ सकती है, और ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में रिफ्लक्स वगैरह होने लगा तो इवेंचुअली ये जो है एडिनोकार्सिनोमा का रूप भी ले सकती है। स्टार्ट एक सिंपल एसिडिटी से होकर के एक बहुत भयानक बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें 80% लोग तो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली टाइम टू टाइम अच्छा खाना अच्छी क्वांटिटी में खाना है।